हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल साइबर वर्ल्ड। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे आप किस प्रकार कई तरीकों से नोटपैड को ओपन कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, नोटपैड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इस एप्लीकेशन में आप टेक्स्ट एडिटिंग, फॉर्मेटिंग और वेब पेज डिजाइन, वायरसेस, प्रोग्राम इत्यादि बना सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको नोटपैड ओपन करने के चार तरीकों को बताऊंगा, जिसमें सबसे पहला मेथड है लॉन्ग प्रोसेस, सेकेंड मेथड कमांड के द्वारा, थर्ड मेथड रन डायलॉग बॉक्स के द्वारा और लास्ट और फोर्थ मेथड शॉर्टकट की के द्वारा। ये चारों मेथड आज आप विंडो 8 में सीखेंगे। बेसिकली ये मेथड सभी विंडो में सेम तरह से ऑपरेट होते हैं, बस थोड़ा सा लुक वाइज ऑप्शन चेंज रहता है। तो दोस्तों, देखते रहिए इस वीडियो को अंत तक और सीखिए आसानी से नोटपैड को ओपन करने का चार तरीका। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पवन और आप देख रहे हैं साइबर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल के बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह के कंप्यूटर कोर्स और टेक्निकल रिलेटेड वीडियोज लाते रहता हूं। और आपने हमारे पुराने वीडियोज को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पर क्लिक कर आसानी से उस वीडियो को देख सकते हैं। और इस वीडियो से आपको थोड़ी भी हेल्प होती है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आइए दोस्तों, मैं आपको बता दूं आप किस तरह अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में नोटपैड को ओपन कर सकते हैं। इससे पहले मैंने नोटपैड में यूज होने वाले सारे शॉर्टकट कीज के बारे में वीडियो अपलोड कर दिया है और एमएस पेंट का कंप्लीट वीडियो भी अपलोड कर दिया हूं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपने सबसे पहले मेथड जो है लॉन्ग प्रोसेस के द्वारा। इसके लिए सिंपली हमें अपने पीसी या लैपटॉप के स्टार्ट मेनू बटन पर माउस का लेफ्ट की प्रेस करना है। जैसे ही स्टार्ट बटन प्रेस करते हैं, आपके सामने ऐसा विंडो ओपन होगा। इसमें आपको सर्च बार में सिंपली नोटपैड को सर्च करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ नोटपैड टाइप किया और सबसे फर्स्ट में ही नोटपैड एप्लीकेशन का आइकन शो कर रहा है। सिंपली इस पर हमें माउस का लेफ्ट की प्रेस करना है और इस तरह से आप देख सकते हैं हमारे सामने नोटपैड एप्लीकेशन ओपन हो गया है। तो इस तरह से आपने सीखा पहला मेथड। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट मेथड कमांड के द्वारा सीखते हैं। इसके लिए सिंपली हमें विंडो स्टार्ट बटन पर प्रेस करना है और यहाँ पर टाइप करना है सर्च बार में CMD। इस तरह से आप देख सकते हैं हमारे सामने कमांड प्रोमोट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। सिंपली इसमें हमें उस एप्लीकेशन का नाम टाइप करना है जिस एप्लीकेशन को हम ओपन करना चाहते हैं। इसमें हम टाइप कर लेते हैं START और उसके बाद जिस भी एप्लीकेशन को आप ओपन करना चाहते हैं उस एप्लीकेशन का नाम। तो हम नोटपैड एप्लीकेशन स्टार्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए सिंपली हमें नोटपैड टाइप करना है। नोटपैड टाइप करने के बाद सिंपली आपको अपने कीबोर्ड से इंटर प्रेस करना है और इस तरह से आप देख सकते हैं हमारे सामने नोटपैड एप्लीकेशन ओपन हो गया है। इस तरह से आपने सीखा कमांड के द्वारा नोटपैड एप्लीकेशन को ओपन कर। और अगर आप इस कमांड प्रोमोट को ऑफ करना चाहते हैं तो सिंपली आप यहाँ पे क्लोज बटन पर प्रेस कर आप इस विंडो को ऑफ कर सकते हैं, या तो आप कमांड के द्वारा ही आप इस विंडो को ऑफ कर सकते हैं। इसके लिए सिंपली हमें एग्जिट टाइप करना है। एग्जिट टाइप करने के बाद सिंपली आपको अपने कीबोर्ड से इंटर प्रेस करना है। इस तरह से आप देख सकते हैं हमारे सामने कमांड का विंडो ऑफ हो गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपने थर्ड मेथड जो है रन डायलॉग बॉक्स के द्वारा, उसके थ्रू हम नोटपैड एप्लीकेशन को स्टार्ट करना सीखते हैं। इसके लिए सिंपली हमें अपने कीबोर्ड से विंडो और आर बटन प्रेस करना है। विंडो और आर बटन प्रेस करने के साथ ही जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे सामने ये रन का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। सिंपली इसमें हमें उस एप्लीकेशन का नाम टाइप करना है जिस एप्लीकेशन को आप ओपन करना चाहते हैं। तो हम अभी नोटपैड एप्लीकेशन को ओपन करना चाहते हैं, इसके लिए सिंपली हमें नोटपैड टाइप करना है। नोटपैड टाइप करने के बाद आप अपने कीबोर्ड से इंटर प्रेस करें या माउस के द्वारा ओके पर क्लिक करें और इस तरह से आप देख सकते हैं हमारे सामने नोटपैड एप्लीकेशन ओपन हो गया है। तो इस तरह से आपने सीखा नोटपैड एप्लीकेशन को रन डायलॉग बॉक्स के द्वारा ओपन करना। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट मेथड जो है शॉर्टकट की के द्वारा। फ्रेंड्स, शॉर्टकट बेसिक के द्वारा अगर आप उस एप्लीकेशन को ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें पहले शॉर्टकट की बनाना पड़ेगा। इसके लिए हमें सिंपली सबसे पहले विंडो स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है और सर्च बार में आके यहाँ पर टाइप करना है नोटपैड। जैसे ही आप नोटपैड टाइप करते हैं आपके सामने नोटपैड का ऑप्शन शो करेगा। इस पे आपको माउस का राइट की प्रेस करना है। जैसे ही आप राइट की प्रेस करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर सबसे लास्ट में ओपन फाइल लोकेशन
शो कर रहा है। सिंपली आपको इस पर माउस का लेफ्ट की प्रेस करना है। जैसे आप माउस का लेफ्ट की प्रेस करते हैं तो आपके सामने विंडो एसेसरीज का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। इस विंडो में आप नोटपैड एप्लीकेशन को देख सकते हैं। सिंपली नोटपैड पर क्लिक करना है और आपको माउस का राइट की प्रेस करना है। और जैसे ही आप प्रेस करते हैं तो आपके सामने यह सबसे नीचे प्रॉपर्टी ऑप्शन आता है। सिंपली आपको प्रॉपर्टी पर माउस का लेफ्ट की प्रेस करना है। और जैसे ही माउस का लेफ्ट की प्रेस करते हैं तो आपके सामने नोटपैड का प्रॉपर्टी का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। सिंपली आपको इसमें शॉर्टकट में शॉर्टकट ऑप्शन पर क्लिक करना है। और यहाँ पर आपके सामने जब आप फर्स्ट टाइम इस नोटपैड प्रॉपर्टी को ओपन कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस तरह नन लिखा हुआ शो करेगा। आपको इसमें अल्फाबेट के A to Z 26 लेटर में से कोई भी एक लेटर चूज करना है। आप वैसा लेटर चूज करें जिस लेटर से आप इसका शॉर्टकट की बनाना चाहते हैं। तो हम N प्रेस करते हैं। जैसे ही आप देखेंगे मैंने N प्रेस किया, कंट्रोल और अल्ट खुद से यहाँ पर फिल हो गया है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ, कभी भी आप शॉर्टकट की बनाइएगा तो A to Z अल्फाबेट की में से कोई एक की प्रेस कीजिएगा तो कंट्रोल और अल्ट खुद से फिल होगा। तो इस तरह से आपने देखा कंट्रोल अल्ट और एन, ये हमारा शॉर्टकट की क्रिएट हो गया है। तो सिंपली इसके बाद हमें अप्लाई पर क्लिक करना है और ओके पर क्लिक कर देना है और हम इस विंडो को ऑफ कर दे रहे हैं। तो हम अपने शॉर्टकट की के द्वारा देखते हैं हमारा नोटपैड एप्लीकेशन ओपन कैसे होता है। तो हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल अल्ट और एन प्रेस करेंगे और जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे सामने नोटपैड एप्लीकेशन ओपन हो चुका है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपने सीखा नोटपैड को आप चार तरीकों से ओपन करना। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।